प्रदेश में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सामूहिक योग कार्यक्रम रीवा के मातृवंदना शासकीय स्कूल में संपन्न हुआ है। योग एक शारीरिक एक आध्यात्मिक क्रिया है जिसकी किसी धर्म अथवा पंथ से कोई संबंध नहीं है। योग करने से शरीर निरोग रहता है। आज पूरा विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सहित स्कूल के बच्चों ने एक साथ योग किया है। सफर में गैस करेंगे, 12 इंच तक गैस कर सकते हैं यथाशक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास। सभी तिल के बराबर दाढ़ी को ऊपर करेंगे और अपने ईष्ट का ध्यान करेंगे। हाथ मले और आंख पे लगाए, गाल में लगाए, जमीन की तरफ आंख को खोले। का स्थापित करेंगे, बाएं नासा चित्र से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। रिलैक्स, बाएं पैर से हुआ दाएं पैर से हम शुरू करेंगे। ये स्थिरता का है, यथाशक्ति करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। रिलैक्स। आप अगला आसन पाद हस्तासन, इसके लिए श्वास भरते हुए ब्रह्म कुमारी आश्रम के हमारे प्रकाश जी और सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर दिख रहे हैं और इस विद्यालय के सारे बच्चे और उपस्थित बंधु। महर्षि पतंजलि ने योग हमारे देश को, हमारे समाज को देने का महान कार्य किया था। उस योग को पूरे देशव्यापी एक जागरण, एक जागृति स्वास्थ्य के प्रति फैलाने का काम सदैव बाबा रामदेव जी ने किया और इसको विश्वव्यापी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसी का परिणाम है कि आज सिर्फ भारत में और रीवा के प्रांगण में ही योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाया जा रहा है। आज पूरे दुनिया के देशों में इसी प्रकार से प्रांगण में बैठ के देश, भारत के जो लोग विदेश में हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो दूसरे देश के हमारे विदेशी लोग हैं उन्होंने भी योग को अंगीकार कर लिया है। उनको मालूम है कि यदि बीमारी को रोकना है तो योग को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा और यदि योग को हमने अपने जीवन का अंग बना लिया तो बीमारी हमको छू नहीं सकती है, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर बाद में करना है, रुक जाओ अभी, महामारी कोई बीमारी हमको प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम रोगी ही ना हो, और रोगी हम तभी नहीं होंगे जब हम योग का अभ्यास नियमित रूप से करते रहेंगे। इसलिए आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये जो लोग लगातार कर रहे हैं उनके तो दिनचर्या का अंग है, लेकिन जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं उनको आज के दिन संकल्प लेके अपने दिनचर्या का अंग इस योग को बनाने का संकल्प यदि वो लेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ जीवन उनको उपलब्ध हो सकेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है। सब कुछ आपके पास हो, योग्यता हो, विद्वता हो, धन हो, संपत्ति हो, पद हो, लेकिन यदि बीमारी ने आपको जकड़ लिया सारा सारे उपलब्धियों पर पानी फिर जाता है। इसलिए स्वस्थ जीवन जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा उपहार है, उसके लिए योग ही एक माध्यम है। इसलिए मैं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। आज वो अमेरिका में 193 देश के लोग उनके साथ आज योग करेंगे वहाँ पर। अभी वहाँ पर रात होगी, जब सुबह होगी तो 5 बजे वो उनका कार्यक्रम होगा और लीडर वही है जो बनी बनाई लीग पर जो चलता है वो लीडर नहीं है। जो नई लीग बना के सारी दुनिया को उस
लीक पर चलने के लिए मजबूर कर देता है वो लीडर है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं। ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली बात है, हमको गर्व है। भारत विश्व गुरु रहा है, भारत विश्व गुरु होगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत का नेतृत्व के इशारे पर, उन पर भरोसा करके दुनिया उस दिशा में चलती हुई अब दिखाई देने लगी है।